मोदी सरकार की आक्रामक कार्रवाई से डरा चीन। लद्दाख में तैनात किए भारत से दोगुने लड़ाकू विमान। लद्दाख में गलवान घाटी विवाद के बाद भारत और चीनी अधिकारियों ने कई दौर की हाई लेवल मीटिंग की है। कुछ हिस्सों से पीछे भी हटे हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो 20 अप्रैल से पहले की स्थिति चाहता है। हालांकि चीन इसको लेकर राजी नहीं है, लिहाजा अब दोनों ओर से सेनाओं ने टेंटों के खूंटे गाड़ दिए हैं। टैंक और तोप तैनात हैं, फाइटर जेट मंडरा रहे हैं। भारत चीन पर भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो चुका है कि चीन की मंशा बहुत खतरनाक है। वो फिर से 1962 जैसा कुछ करने की फिराक में है। हालांकि भारत ने वक्त रहते उससे तगड़ी प्लानिंग कर ली है, जिससे तानाशाह जिनपिंग की सांस से हलक में अटक गई है। और अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जो बताता है कि उसने परमाणु मिसाइलों से लैस विमान तैनात करने के बाद अब अपने लड़ाकू जेट भी दोगुने कर दिए हैं। चीन पर क्या हुआ है बड़ा खुलासा। अमेरिकी वायुसेना के चाइना एरोस्पेस इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीन ने झिनजियांग जोन में हॉटन एयर बेस पर लद्दाख के पास 36 विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। इसमें 24 रूसी डिजाइन वाले J-11 और J-16 फ्लैंकर फाइटर्स शामिल हैं। इसके अलावा 6 पुराने J-8 फाइटर, 2 Y-8G ट्रांसपोर्ट, 2 KJ-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, 2 MI-17 हेलीकॉप्टर और कई CH-4 स्ट्राइक ड्रोन्स हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के पास जून में यहाँ पर चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच होने वाली झड़पों से पहले सिर्फ 12 फ्लैनर्स थे और कोई सपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं थे। ये रिपोर्ट यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रहरी 2 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से ली गई इमेजेस पर आधारित है। हालांकि लद्दाख में चीनी वायुसेना फिलहाल रक्षात्मक रूप में है। वो भारतीय विमानों से चीनी जमीनी सैनिकों की सुरक्षा के साथ साथ टोही मिशंस को पूरा करने पर फोकस कर रही है। वैसे चीनी वायुसेना के लिए ये जोन डेथ जोन भी बन सकता है, क्योंकि चीन के फाइटर्स लद्दाख में एक मजबूत वायुसेना से मुकाबला करेंगे, जिसमें 5 राफेल जेट्स के साथ उन्नत मिग 29K लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। राफेल सभी चीनी लड़ाकू विमानों से बेहतर है। चीनी और भारतीय विमान दोनों लद्दाख से हवाई क्षेत्र से बाहर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन भारत के पास वहां बढ़त है। विवादित सीमा के सबसे नजदीकी चीनी ठिकाने काशगर लद्दाख के उत्तर पश्चिम में 350 मील और दक्षिण पूर्व में नगारी कुनशा है। झिनजियांग और तिब्बत में चीन के पास बड़े एयरबेस हैं, लेकिन वे 600 मील की दूरी पर हैं, जिसका मतलब है कि लड़ाकू विमानों को चीन की सीमित हवाई ईंधन भरने की क्षमता को बाधित करेगा। भारत ने तैनात किए हैं लड़ाकू विमान। पूर्वी लद्दाख से लगी सीमा पर चीनी सेना की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए थल सेना तो मुस्तैद है ही। इंडियन एयरफोर्स ने अपने लगभग सभी फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स को फॉरवर्ड एयरबेसिस पर तैनात कर रखा है। नौसेना भी अरब सागर, हिंद महासागर में चीनी नौसेना का मुकाबला करने को तैयार है। भारत ने चीन से निपटने के लिए 1-2 नहीं बल्कि लड़ाकू विमानों की पूरी खेप ही उतार दी है और सभी फॉरवर्ड एयरबेस को हाई अलर्ट मोड पर रखा है। लिहाजा आपको बताते हैं भारत की वो जाबाज फाइटर जिनको तैनात किया गया है। नंबर 1, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बनाए 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स यानी कि LCH को लद्दाख सेक्टर में भेजा गया है। ये शॉर्ट नोटिस पर एयरफोर्स को पूरा सपोर्ट दे सकते हैं। दुनिया के सबसे हल्के हेलीकॉप्टर में 70 mm के रॉकेट्स लगे हैं और एक चिम माउंटेड कैनन है। इनसे भारत को दिन हो या रात किसी भी वक्त कैसे भी टारगेट को हिट करने की क्षमता मिलती है। नंबर 2, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स। IAF ने लद्दाख में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी तैनात किया है। लेह एयरबेस पर इनकी तैनाती AGM-114 हेल फायर एयर टू सरफेस मिसाइल, AIM-92 स्टिंगर एयर टू एयर मिसाइल, 2.75 inch रॉकेट्स और 30 mm चैन गन के साथ की गई है। ये विमान पिछले साल ही भारत को मिले हैं। नंबर 3, चिनूक हेलीकॉप्टर्स। पिछले साल मार्च में IAF का हिस्सा बने चिनूक भी लद्दाख में मौजूद हैं। ये विमान अपने साथ भारी मिलिट्री इक्विपमेंट्स को ऊंचाई वाले इलाकों में ले जा सकते हैं। मल्टी रोल वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म वाले ये विमान सैनिकों, आर्टिलरी इक्विपमेंट और फ्यूल ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होते हैं। नंबर 4, MiG-29K फाइटर जेट। मैरीटाइम फाइटर जेट्स MiG-29K नॉर्दर्न सेक्टर के कई एयरबेसिस पर तैनात हैं। इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की एयर पेट्रोलिंग में भारत को खासी मदद मिलती है।
भारतीय नौसेना के पास करीब 40 MiG-29 के हैं, जिनमें से आधे INS विक्रमादित्य पर तैनात हैं। नंबर 5 C-17 ग्लोब मास्टर विमान। दिखने में बेहद भारी लगने वाला C-17 ग्लोब मास्टर है बेहद असरदार। इसमें लार्ज कॉम्बैट इक्विपमेंट्स के साथ साथ सैनिकों को भी ले जाया जा सकता है। चीन के साथ तनाव की शुरुआत पर इन्हीं विमानों से सैनिकों को फॉरवर्ड एरियाज में पहुंचाया गया था। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बोइंग ने बनाए हैं। नंबर 6 P-81 एयरक्राफ्ट। IF नेवी ने भी लद्दाख में अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती में कोई कसर नहीं छोड़ी है। P-8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को पूर्वी लद्दाख में सर्विलांस के लिए तैनात किया गया है। इन जेट्स में एडवांस इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन सिस्टम और मल्टी मोड रडार लगा है। पुलवामा आतंकी हमले और डोकलाम विवाद के समय भी P-8I जेट्स को तैनात किया गया था। नंबर 7 जगुआर और मिराज जेट। भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 और जगुआर लड़ाकू विमानों को भी तैनात किया है। मिराज ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त अहम भूमिका निभाई थी। फिलहाल इन्हें लेह और श्रीनगर एयरबेसिस पर तैनात किया गया है। नंबर 8 SU-30 MKI जेट्स। रूस के सुखोई और भारत के HAL ने मिलकर SU-30 MKI बनाया है। ये भारत की जरूरतों के हिसाब से टेलर मेड है और इसमें फ्रेंच और इजरायली सिस्टम भी लगे हैं। 3000 किलोमीटर की रेंज वाले एयरक्राफ्ट एयर टू एयर मिसाइलों और घातक बमों को गिराने में सक्षम है। हाल ही में जब राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत आ रहे थे तो उन्हें SU-30 MKI ही एस्कॉर्ट कर रहा था। नंबर 9 राफेल फाइटर जेट। IF के सबसे नए सदस्य यानी कि राफेल लड़ाकू विमानों को जरूरत पड़ने पर लद्दाख में तैनात किया जाएगा। फिलहाल वे हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों में रात के वक्त अभ्यास कर रहे हैं। पहाड़ों के बीच कठिन रास्तों में उनका यह अभ्यास पूर्वी लद्दाख में चीन और कश्मीर में पाकिस्तान से लड़ाई के हालात में बेहद काम आएगा। यहाँ हिमालय की चोटियों की टेरेन वहाँ से काफी हद तक मिलती जुलती है। जो राफेल आए हैं उनके साथ मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल MICA मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल और स्कैल्प डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल्स लगी हैं। इससे भारतीय वायुसेना के जाबाजों को हवा और जमीन पर टारगेट्स को उड़ाने की जबरदस्त क्षमता हासिल हो चुकी है।